चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम कुलामिक फोर्स निकालना है, मैक्सिमम कुलामिक फोर्स याद रखना, मैक्सिमम फोर्स निकालना है, ठीक है। दैट कैन एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस इन ए हाइड्रोजन एटम। चलो हाइड्रोजन है और ये रहा मेरा प्यारा सा हाइड्रोजन, और ये एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू टू। अब बताया नहीं गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो मैं ग्राउंड स्टेट लेके चलूँगा, तो स्टेबल ऑर्बिट एन इक्वल टू वन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एन इक्वल टू वन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्राउंड स्टेट में है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो न्यूक्लियस और इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है मैक्सिमम निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुलामिक फोर्स, वो आ जाएगा Q1 और Q2/R का स्क्वायर। अब फोर्स देखो, फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, ये वाली चीज़ समझना, जब जो रेडियस है आर, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर की, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसमें जो ये जो चार्ज Q1 है और Q2 है इलेक्ट्रॉन पे, ये सारी तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो फोर्स, ये वाली जो फोर्स है वो मैक्सिमम तब होगी जब आर मिनिमम होगा, आर मिनिमम होगा। अब आर मिनिमम कब होगा यार? तो आर मिनिमम होगा प्यारे बच्चों जब आर की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और जनरल जो आर का जो डिफिनेशन है, जनरल आर है, वो आर नॉट एन स्क्वायर अपन जेड है यार, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन है तो एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, तो आर की वैल्यू आर नॉट के इक्वल है, और इस आर नॉट की जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये रेडियस आ गया, तो इसमें इस हिसाब से मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आता है यार, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन में निकालना, बी केयरफुल, चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि जब हाइड्रोजन है तो एक प्रो न्यूट्रॉन तो जो प्रोटॉन पे चार्ज ई है, प्रोटॉन पे Q1 की वैल्यू ई है और Q2 की वैल्यू भी ई है, ठीक है। न्यूट्रॉन तो है ही नहीं यार इसमें, अब उसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं यार, 0.53 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन है तो × 10⁻¹⁰ और ये स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली ये जो मैक्सिमम फोर्स आ जाता है वो आ जाता है 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन, जो कि एक मतलब यही फोर्स है जो लगा रहा है। फाइनली इसको हम देख लेते हैं, तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द हाइड्रोजन न्यूक्लियस टू द ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर।